देखिए, अगर हम बात करें अब 2021 की, तो 2020 में जिस तरह से हमने देखा कोरोना काल में, तो कोरोना काल में किस तरह की कितने जो गैप्स थे हमारे सामने आए, और स्पेसिफिकली अगर इस बजट से हम उम्मीद करते हैं हेल्थ केयर के अंदर हमें कुछ विशेष देखने को मिलना चाहिए जिस तरह से हम सोच रहे हैं और आकलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारा अभी जो काम होता है वो रिएक्टिव हेल्थ पे होता है। अभी मुझे एक्सपेक्टेशन है, हमें लगता है कि इस बार प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ज़्यादा अधिक काम होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है कि हम बीमारी की रोकथाम के ऊपर कोई ना कोई ऐसा बजट असाइन होना चाहिए कि एक बार बीमारी हो गई तो आप समझिए कि उसका खर्चा और रोकथाम का खर्चा में बहुत फ़र्क है। तो ज़्यादातर मुझे लगता है इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर एक विशेष बजट असाइन होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हम देखें कि जिस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे के जो एक डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और फार्मा कंपनीज़ में जिस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उस सेगमेंट को भी कुछ सुविधाएं और उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि हम रिसर्च के क्षेत्र में भी और अधिक काम कर सके। वो चाहे कोरोना की वैक्सीन हो या कोरोना से संबंधित टेस्टिंग या और भी कुछ जो भी हमारी हेल्थ केयर जो डायग्नोस्टिक में हो या आपके फार्मा में हो, उनको सपोर्ट करें। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारा जो रूरल एरिया है, हमारा जो गांव का एरिया, एक अर्बन एरिया आपका, एक रूरल एरिया, रूरल एरियाज़ में अगर हम आप देखें तो काफ़ी वहां पर अभी हेल्थ केयर सुविधाओं में काफ़ी हद तक काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने कोरोना काल में भी देखा कि वहां पर बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर काफ़ी समस्याएँ थी, तो हमें लगता है कि जो रूरल एरियाज़ है उसमें हेल्थ केयर सिस्टम पर भी काफ़ी फोकस होना चाहिए। और इसके अलावा स्पेसिफिकली हेल्थ केयर एजुकेशन, कि हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी वो पैरामेडिक्स को लेके या डॉक्टर्स को लेके स्पेसिफिकली, तो हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के ऊपर भी एक स्पेसिफिकली ऐसा बजट एलोकेट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें स्पेसिफिकली जो इक्विपमेंट है, जो वो हमारे उन यूनिट्स को भी बजट के अंदर शामिल करना चाहिए और उनको भी कुछ इस तरह के बेनिफिट्स देनी चाहिए कि उनको प्रोत्साहन मिले कि जो मेक इन इंडिया कैंपेन है वो और भी ज़्यादा अधिक तरीके से सक्सेसफुल रहे और अच्छी तरीके से चले। और इसके अलावा भी कुछ और हमारी डायग्नोस्टिक में टेस्टिंग से संबंधित किट्स है, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भी इधर होनी चाहिए। और जिस तरह से अभी हम स्वदेशी वैक्सीन हमारी जो मैन्युफैक्चर हो ही रही है, इस तरह से और भी आगे आने वाले समय में उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए।